Myself Manpreet Singh and welcome to you all in Perfection Classes for English. And today we will read about our active passive and inactive passive. We will read our imperative sentence. Before it we have done in imperative sentence, that is order, command and suggestion or advice. Today we will read about requested sentences. How it can explain? Let's see through an example, and that is, please give me this book. देखो इस सेंटेंस के अंदर यानी जब भी हम इम्पैरेटिव के अंदर जब भी हम हमारे सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज करते हैं, स्पेशली वो जिनके अंदर प्लीज़ एक वर्ड और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइंडली, ये दो वर्ड हैं जो क्या करते हैं, जिनको इम्पैरेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ इस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया था. देखो स्ट्रक्चर क्या है, जब भी हम इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं और एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज करना है तो ध्यान देना हमारे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो होगी यू आर रिक्वेस्टेड. ठीक है, अब उसके बाद में हमारा कंप्लीट पैटर्न जो बच जाता है एंड आवर द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस चेंज लाइक दिस, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी दिस बुक. बस इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी इम्पैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर रिक्वेस्टेड की बात की जाती है या फिर मैं यूं बोलूं सेंटेंस के अंदर काइंडली या प्लीज़ जैसे वर्ड्स आ जाते हैं तो हम इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो देखो कि एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे. और जब हम यू आर रिक्वेस्टेड यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो अदर पार्ट सेंटेंस बच जाता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आवर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स यानी कि दिस बुक. तो इसी तरह हम एक और सेंटेंस देखते हैं. सॉरी सेंटेंस है टेक योर सीट प्लीज. अब देखो इस सेंटेंस के अंदर चेंजिंग कैसे होगी, इस सेंटेंस के अंदर भी हम वही पैटर्न यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ किया. क्या किया हमने, क्या करना है, हमारे पास प्लीज़ है इम्पैरेटिव सेंटेंस के अंदर और हमने इसको पैसिव के अंदर चेंज करना है. जब हम इसको पैसिव के अंदर चेंज करेंगे तो ध्यान दो कुछ इस तरीके से चेंज होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, यू रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट. और इसी के बाद अगर अपने एक और एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल है, तो यहीं पर लिख देता हूं, काइंडली पोस्ट दिस लेटर. पहला एग्जाम्पल क्या था, प्लीज गिव मी दिस बुक. सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, टेक योर सीट प्लीज. थर्ड एग्जाम्पल क्या है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर. एंड वी मस्ट फॉलो आवर रूल, वेन एवर वी हैव द वर्ड एज काइंडली और प्लीज देन इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर रूल, दैट इज यू आर रिक्वेस्टेड टू post this letter. That's how we can easily explain, we can easily learn our imperative sentences. And first part of imperative that was order or command, and second part of imperative is advice or suggestion. Third part of imperative is requested form. And now
वी आर गोइंग टू रीड आवर नेक्स्ट पार्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस दैट रिलेट्स और दैट स्टार्ट्स विद लेट. एंड वन मोर थिंग यू नीड टू नो, वेन एवर वी आर यूजिंग लेट, सो इससे पहले तो हमने ये किया था क्या कि हमने सेंटेंस, हमारे पास इम्पेरेटिव फॉर्म के अंदर जो सेंटेंस थे हमने उसको लेट से ही क्या किया था, एक्सप्लेन किया था. और अब हमने क्या करना है, हमने उन सेंटेंसेस को करना है जो लेट से स्टार्ट होते हैं और लेट से ही हमने उनको पैसिव के अंदर चेंज करना है. देखो इसके अंदर क्या होता है, अगेन हम एग्जांपल को ही फॉलो करेंगे. लेट मी डू दिस वर्क. और देखो इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज कैसे किया, जब भी हम बात करते हैं लेट मी डू दिस वर्क तो इसके अंदर क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट. लेट के बाद में हमारा क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा. ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे. लास्ट के अंदर एक चीज का और ध्यान रखें, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज होगा वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज होगा अगर नॉमिनेटिव केस आता है तो. देखो हमने क्या किया, हमने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल के बाद में हमने स्ट्रक्चर देखा. स्ट्रक्चर देखो क्या है, लेट दिस वर्क. हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब कौन सी है, डू बी डन. ऑब्जेक्ट सॉरी बाय प्लस सब्जेक्ट क्या आएगा, बाय. दैट्स हाउ वी कैन चेंज आवर एवरी सेंटेंस दैट स्टार्ट विद लेट एंड चेंज इनटू लेट. एंड आवर सेकंड एग्जांपल इज, लेट्स सी व्हाट इज आवर सेकंड एग्जांपल. लेट हर सिंग अ सॉन्ग. जस्ट फॉलो आवर स्ट्रक्चर दैट आई रोट ऑन द अपर साइड ऑफ बोर्ड. लेट्स सी, लेट एंड आवर ऑब्जेक्ट इज अ सॉन्ग. लेट अ सॉन्ग बी संग. सिंग थर्ड फॉर्म इज सिंग सैंग संग. बी संग बाय हर. That is a pattern which can be used in active to passive of, sorry, sentences of imperative. And you must know that whenever we have any sentence, any kind of sentence which starts with let and which convert into passive with let. Let's see and match with our structure. Let's see, or let is here, then object is a song. B plus verbs third form is here, by plus subject is here. So our structure and our example both are matching. It means our structure and our example is accurate. So after it, sorry, before to go ahead, you must learn imperative sentences. And I told you in my previous video about command orders, suggestion, advice, and requested form, and now let's example. So students, you can see in front of you that our next sentence is let us sing. And whenever we have this kind of sentence in active form, then it means it always explain, it always relate with a suggestion, with an advice. And whenever we are suggesting to anyone, advising to anyone, then we will use should. That is our model. And let's see how it can change whenever we have this form in any kind of sentence of active form, then we can change. Let's see. It is suggested. It starts with it is suggested, and after it we will conjunct it with that
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. दैट्स हाउ वी कैन चेंज आवर सेंटेंस. एंड अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब भी आपके सेंटेंस में लेट अस कंडीशन अप्लाई होती है, स्पेशली एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमेशा एक सजेशन का एक सेंस होगा, एक सजेशन की एक फॉर्म होगी, और उस फॉर्म को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमेशा उस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, इट इज़ सजेस्टेड, और उसके बाद में दैट कंजक्ट किया जाएगा जो कि क्या करेगा, इस सेंटेंस का पार्ट जो कि है क्या, अस सिंग, और उसके बाद में हमने एक स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि सजेशन को हमेशा कौन एक्सप्लेन करता है, शुड ही तो एक्सप्लेन करता है. तो देखो अब इस सेंटेंस की चेंजिंग कैसे होती है. लेट अस सिंग को हम चेंज करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी. ध्यान रखना अस के अकॉर्डिंग जब भी हम चेंज करेंगे, जब भी हम हमारे सेंटेंस को देखेंगे तो हमने किसका यूज करना है, वी का. कब यूज करना है, जब हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के अंदर अस लगा होगा, और उस अस की वजह से हम हमारे सेंटेंस को कुछ इस फॉर्म में चेंज करेंगे, वी शुड सिंग. हम इस तरह सारे सेंटेंसेस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमारा एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट अस प्ले टुगेदर. ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, लेट अस प्ले टुगेदर. एग्जाम्पल है, लेट अस प्ले टुगेदर. हम हमारे सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम चेंज करेंगे, लेट अस प्ले टुगेदर चेंज होगा. देखो कैसे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर. एक बार आप भी ध्यान से देखें सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को. जब हम इस स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करेंगे, कब करेंगे, जब हमारे पास लेट अस सिंग जैसी कंडीशन होगी. तो इस कंडीशन के अंदर हम इस तरह हमारे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, मैंने इंपेरेटिव के अंदर आपको कौन कौन सी फॉर्म्स बता दी, मैंने आपको ऑर्डर कमांड बता दिया, मैंने आपको सजेशन बता दिया जिसके अंदर हम सजेशन एडवाइस बता दिया, और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सजेशन एडवाइस के बाद में रिक्वेस्टेड फॉर्म भी बता दिया, और अब मैं बता रहा हूँ क्या ये लेट अस वाले सेंटेंसेस, जब भी या लेट मी या लेट अस वाले सेंटेंसेस, लेट मी वाले सेंटेंसेस मैंने आपको बताए कि वो लेट से ही स्टार्ट होंगे और लास्ट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर, ठीक है. और इस तरह के सेंटेंसेस में देखो जब भी हम लेटर्स का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रक्चर अप्लायंसेस है वो कुछ इस तरीके की रहेगी. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू.